तो गाइस जैसा कि मैंने बताया वर्ब्स, ठीक है, तो वर्ब्स का मतलब क्या है? क्रिया, कोई भी काम, कोई भी कार्य, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक कराया था सेंटेंस का, उसमें मैंने ये बताया था कि जो सेंटेंसेस एक्शंस होते हैं वो वर्ब कैरी करते हैं, और जो सेंटेंसेस नॉन एक्शन होते हैं वो वर्ब कैरी नहीं करते, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग होम, तो यहाँ पे देर इज अ वर्ब दैट इज गोइंग, तो ये सेंटेंस हमारा एक्शन होगा। और अगर मैं कहता हूँ आई एम एट होम, तो ये सेंटेंस हमारा नॉन एक्शन होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन जब वर्ब की बात होती है तो वर्ब बेसिकली किसका पार्ट है? बेसिकली वर्ब पार्ट होता है वोकैबलरी का, ठीक है। अगर वोकैबलरी को हम सिंपल भाषा में देखते हैं तो वोकैबलरी का मतलब यहाँ पे है वर्ड मीनिंग्स। तो ऑब्वियसली जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वहां पे डिफरेंट सेंटेंसेस को कंपोज करने के लिए, अपनी बात को सामने रखने के लिए हमारे को वोकैबलरी की जरूरत होती है। अब जो वोकैबलरी है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे वी हैव नाउन्स, एडजेक्टिव्स, और उसमें से एक है वर्ब। लेकिन जो वर्ब की वोकैबलरी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। कैसे? क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म्स भी होती हैं। वी हैव अ न्यू थिंग दैट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक वर्ब जो होती है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं मेनली। जो ग्रामर में मेन फॉर्म्स हैं वर्ब्स की वो कितनी होती हैं? तीन होती हैं। वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। और अगर हम कभी भी एक वर्ब को यूज करेंगे तो वो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज की जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कुछ स्ट्रक्चर्स में किया जाता है, रूल्स में किया जाता है, कुछ में सेकेंड फॉर्म यूज होती है, कुछ में थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की, तो हमारे को इस चीज को ध्यान रखना है कि हर एक वर्ब जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का यूज, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे कि गो है, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। लेकिन जब हम अलग अलग फॉर्म्स की बात करते हैं वर्ब्स की, तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग फॉर्म्स का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे सारी फॉर्म्स का मतलब सेम ही है, जाना, ठीक है। लेकिन अलग अलग फॉर्म्स को यूज किया जाएगा अलग अलग रूल्स के अंदर, डिफरेंट रूल्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। तो ये तीन फॉर्म्स हमारी मेन है, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर मुझे करना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वहां पे कुछ नहीं करना होता, बस ईडी लगा देना है। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है फॉर्म्स को कंपोज करने का। फॉर्म्स को कंपोज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ गो है, फिर वेंट है और गॉन है। तीनों का रिलेशन नहीं है उतना ज्यादा एक दूसरे से, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं हम ईट की, तो ईट होता है, फिर एट होता है, फिर थर्ड ईटन होता है। इसमें तो कहीं ईडी नहीं लग रहा, ठीक है। ईट मतलब होता है खाना। इसके अलावा एक फॉर्म होती है रीड। अब रीड जो है इसका मतलब पढ़ना होता है, लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात आती है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म की भी होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है राइट। अब राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वी हैव रोट, एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ऑब्वियसली इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन कई सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें ईडी लगाने की जरूरत होती है। जैसे कि इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म मतलब किसी को सूचित करना। अब इन्फॉर्म की सेकेंड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म भी इन्फॉर्म्ड ही होती है, ठीक है। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो सेम रहती हैं सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। जैसे पुट है, तो पुट की सेकेंड फॉर्म सेम पुट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। सेवेंथ है कट, कट कट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की, तो ये हमारे को ना धीरे धीरे ग्रास्प करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हमारी नई नई फॉर्म्स आती हैं तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा। अब जैसे एक फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की, दैट इज बॉर्न। किसी को पता है आप में से कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? तो बेसिकली यहाँ पे जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे तो हमारे को क्या करना है, जैसे जैसे नए नए वर्ब्स आते हैं, जैसे नए नए वर्ड्स आते हैं, तो हमें उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को ग्रास्प करना है और एक लिस्ट बनानी है। लेकिन
अब सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है वो उतनी यूजफुल नहीं है, हमें ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चाहिए जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती है। तो जब भी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, जब भी आप अपना ओपिनियन रख रहे हो और उस टाइम पे कोई भी नया वर्ड आता है जिसकी आपको जरूरत है, तो आप उसको सर्च करें, उसके सेकंड थर्ड फॉर्म को सर्च करें और उसको अपनी वोकैबलरी के अंदर, जो एक्टिव यूज है आपके वोकैबलरी का, जो आप डेली यूज करते हैं, उन वर्ड्स के अंदर ऐड करें। अब यहाँ पे तीन फॉर्म्स तो मेन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन उसके बाद जब हम फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं, फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं, तो ये हमारी मॉडिफाइड वर्जन्स है फॉर्म्स का। क्या है? मॉडिफाइड वर्जन्स है, वर्जन है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ गो वेंट गॉन, ठीक है? तो अब इसके बाद फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं, तो इट विल बिकम व्हाट, गोइंग, ठीक है? और फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं, तो गोइंग का क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। ऐसे ही ईटन है तो ईटिंग बन जाएगा, इसका ईट्स बन जाएगा, इसका रीडिंग बन जाएगा और इसका रीड्स बन जाएगा, एंड सो ऑन हम आगे बना सकते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो वोकैबलरी में बहुत बड़ा वेरिएशन है, जिसमें काफी सारी वोकैबलरी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे आप गो को ही देख लो, गो को तीन तरीके से बोला जा रहा है मेन, ठीक है? आप कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसी चीज में गलती करते हैं, उनको सेकंड फॉर्म नहीं पता होती, उनको थर्ड फॉर्म नहीं पता होती, तो ये गलती होती है। और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी यूज होगी, ये किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा हमारे को, बताइए। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से हमारे को ये बात पता चलेगी, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा वर्ब्स का टॉपिक था, और यहाँ पे ये वर्ब्स का टॉपिक कंप्लीट होता है अभी के लिए। और जो वर्ब्स का चार्ट है, डिफरेंट वर्ब्स जो जो यूज होती हैं, आई वुड सजेस्ट कि अपना एक रजिस्टर अलग से लगाओ, जिसके अंदर तुम जो वोकैबलरी है उसको ऐड करा करो। और जब भी आप उस वोकैबलरी को ऐड करते हो, तो आप कॉलम सेट कर लो, जैसे एक सीरियल नंबर का कॉलम हो गया, फिर आपका जो वर्ड है वो आ गया, फिर वर्ड की कैटेगरी आप लिख सकते हो कि वो वर्ड की कैटेगरी क्या है, वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, क्या है, और फिर उसका मीनिंग लिख सकते हो। अगर मीनिंग के बाद भी बच रहा है तो सेंटेंस भी लिख सकते हो, उसका कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपनी वोकैबलरी में जो जो नए वर्ड्स आते हैं, उनको उस रजिस्टर में ऐड करके उसको रिव्यू करा करो, तब जाके सारी की सारी चीजें बेटर रहेंगी आप लोगों के लिए।